श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बर नौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल जारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि एशियन शूज की तरफ से गिफ्ट आया है। सर मैं आपको कह रहा था ना शूज बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो हैं पर मेरे मेरा टशन मेरा एशियन। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नॉट जस्ट अकाउंट्स मैनेज योर बिजनेस। शो योर लव शो योर केयर शो योर वार्मथ विथ कोको फोम प्रीमियम रेंज ऑफ होम फर्निशिंग्स। Everyone, and I'm super excited for my friend Gunjan Saxena, a comedian and a wonderful artist. Well, someone I truly admire. तो आज रात 9 बजे मिलते हैं ऑनलाइन उनके शो पर. यानी जिसको लाफ्टर का तड़का लगाना है वो वहां पर आ जाए जल्दी से. 27 जून शार्प एट 9 PM विद गुंजन सक्सेना एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू पवन श्रीवास्तव. एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना. कैसे हैं आप सारे? होप सारे अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे. तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है इस बहुत ही प्यारे से गेम शो में, एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना. एंड मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर्स. जी हाँ, एशियन फुटवेयर, बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर एंड फ्लोरेट एंड कोको फॉर्म और हमारे तमाम जितने भी पैटर्न्स हैं उन सब का. एंड
वेरी स्पेशल मैन, जी हाँ, द वन एंड ओनली द पवन श्रीवास्तव जी, म्यूजिक मेकर के हमारे कर्ता धर्ता, उनको अभी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि यार उनकी वजह से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। सो गाइज, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, थोड़ा मजा आ जाए, थोड़ा पता चल जाए कौन कौन मुझे इस वक्त देख रहा है, कौन कौन सुन पा रहा है, तो प्लीज, क्योंकि आज का शो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं कोई गेटअप नहीं लेकर आया, आज मैं नॉर्मली लोगों से बात करूंगा, थोड़े से आवाजें, थोड़े से जोश, थोड़े से क्रैक ऐसी करेंगे। तो अगर मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है तो प्लीज जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, कमेंट कीजिए, और अगर आप लोगों ने ये लिंक शेयर नहीं करा है तो ये वाला लिंक जरूर शेयर कर दीजिए अपने अपने ऐप पे ताकि लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि वैसे ही हमारा शो ना बड़ा फेमस हो गया है। बताऊंगा बाद में, धीरे धीरे बातें होंगी, आज मैं सिर्फ बातें करने के लिए आया हूं, तो मैंने कहा कैरेक्टर के अंदर थोड़ी सी बातें कम रह जाती है, इसलिए मैंने कहा आज ना इत्मीनान से बातें करेंगे सबके साथ। ऑलराइट, सो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, जितने भी रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट जरूर करते रहें, जो भी गेस्ट जुड़े, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इवेंट्स ओपन हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जो हैं वो इस वक्त काम पे हैं और जुड़े हुए हैं। आज संडे था, मैंने कहा शायद आज काम की उम्मीद थी, शायद हम लोग मॉर्निंग में मिलते, बट होपफुली अभी आए हैं आप 9 बजे और बहुत सारी मस्ती करने के साथ में। अगर जितने भी लोग जुड़ रहे हैं कमेंट जरूर करना एंड देन वील स्टार्ट, क्योंकि मेरे क्वेश्चन आंसर तभी स्टार्ट होंगे जब आप सारे लाइव आ जाएंगे। होपफुली जल्दी जल्दी सारे गेस्ट जुड़ जाएं, क्योंकि मुझे गेस्ट भी चाहिए, कि आज मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ना स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन हो, जोक सुनाइए, बीइंग ह्यूमर, वाह ये जो आपने बात बोली ना, जोक सुनाइए। एक्चुअली मेरे पास जोक्स बहुत सारे हैं बट मैं आज आपको आवाजें जरूर सुनाऊंगा, मैं मिमिक्री भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, आज अपने बारे में मैं बताऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग जरूर आ जाए, बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन हों। थैंक यू बीइंग ह्यूमन, आप यूट्यूब से जुड़े हैं हमारे साथ और उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी से और भी सारे गेस्ट जुड़ जाएं, जोक जरूर सुनाएंगे। जोक वैसे जोक ना मैं बहुत कम करता हूं, क्योंकि मेरा जो लाइव ऑडियंस के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी रहती है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि सब लोग जोक सुनाते हैं, हम तो रियल बातें बताते हैं जो हमारे साथ हुई होती है ना, वो वाली बातों पर मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभार। वो वाला सुने हुए ना आप लोगों ने, रील्स बन रही है आजकल, और बताओ कभी पापा से जूता खाया है, तो वो वाला काम भी करा हुआ है, तो डोंट वरी, जोक्स करेंगे, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, बट मुझे आप लोगों के कमेंट्स की जरूरत है, मिमिक्री ही सुना दीजिए, आप अकेले ही हैं बीइंग ह्यूमर। वैसे चलो कोई बात नहीं, मैं आपका वेलकम कर लेता हूँ, अकेले बीइंग ह्यूमर है हमारे पास इस वक्त जो कमेंट कर रहे हैं, आई थिंक सो वॉच तो काफ़ी लोग कर रहे होंगे इस वक्त, बट कमेंट जो है ना वो नहीं आ रहे, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के कमेंट आए, और अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं जितने भी लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप करें, क्योंकि मैंने तो कर दिया है। चलिए आपको मिमिक्री ज़रूर सुना देता हूँ, पहले मैं एक आवाज़ सुनाता हूँ तो आप मुझे बताना ये आवाज़ किसकी है, ठीक है जी, तो आपका कमेंट भी आ जाएगा, तो ये आवाज अगर अच्छी लगे तब भी, और नहीं लगे तो फिर कोशिश तो कर ही रहा हो। दिलों में तुम बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, आंखों में काबों की शियाइयां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, जिंदा ही रहना बस। आवाज पसंद आई हो तो जरूर, क्योंकि आवाज मैंने बड़ी धीरे से बोली थी, फिर भी मैंने, इको सिस्टम नहीं है घर में, घर है तो किसकी आवाज है ये भी बताना है कमेंट में, थोड़ा सा मजा आएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है मेरे पास जो मेरे आज मैं सवाल लेकर आया हूँ, क्योंकि जो प्राइजेस है वो भी हम देने वाले हैं, और जो प्राइजेस है वो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फर्स्ट प्राइज है 250 का पेटीएम एंड सेकंड प्राइज है 150 का पेटीएम एंड थर्ड प्राइज है हमारा 100 रुपीज का पेटीएम। तो बीइंग अ ह्यूमर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप बताना कि कौन सा है। आज कमेंट बड़े कम आ रहे हैं, लगता है आज सारे लोग शो पर गए हुए हैं, क्या बात है, चलो अच्छी बात है, काम भी करना जरूरी है, आज गेस्ट काफी कम हैं, तो सवाल किससे पूछे जाएं, अगर आप लोगों का हाय हेलो नहीं आएगी तो फिर मैं पूछूंगा किससे, ओके ऑलराइट, आई थिंक सो ज्वाइन काफी सारे लोग हो गए इस वक्त, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितने लोग इस वक्त लाइव हैं, क्योंकि लाइव भी देखना बनता है ना, कितने लोग हैं हमारे साथ इस वक्त जो जुड़े हुए हैं। ओके राइट, हेलो भैया, हेलो भैया, ओके तन्मय आ गए हैं, तन्मय कैसे हो, बड़ी देर से वेट कर रहे थे यार आपका,
चलो तन्मय तो ज्वाइन हो गया। तन्मय कैसे हो? अगर स्टूडियो में आप ज्वाइन कर सकते हो तो भाई मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, एफबी पे शेयर कर देते हैं। और अगर जो भी स्टूडियो में जो ज्वाइन होगा उसके लिए स्पेशल से अलग से दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे। या अमीन सिहानी मिमिक्री प्लीज। भाइयों बहनों यार उनके ना एक्चुअली में डायलॉग बहुत सारे थे। अब आवाज जो सुनने जा रहे हैं आपके जानिब से लेकर आ रहे हैं अमीन सयानी, वो बहुत पुराने थे तब तक हम थे जब सुनते थे उनको। बट हाँ बहुत एक्चुअली में बेसिकली अगर किसी को कहा जाए ना तो अमीन सयानी जो जी थे ना, मायने में एंकरिंग के मायनों में उन्होंने शुरुआत करी थी कि वॉइस को मॉड्यूल कैसे करके आवाजें भी निकाली जा सकती हैं। जावेद अख्तर की मिमिक्री करो फरहान की तो कोई भी कर लेता है। अच्छा जी, ये जो तफल्लुस की बातें कर रहे हैं ना आप, तो ये सारी की सारी बातें हो जाती है तो इसलिए सब बढ़िया है, हेलो भैया करके होता है तो उनका तो कुछ नहीं, वो मुंह में गुटखा खा के बात करने लग जाते हैं, उनकी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, बींग ह्यूमर। जावेद अख्तर की कर दी है मैंने, वैसे बता नहीं मेरे को इतनी, मैं करता नहीं उनकी, जिनकी मैं करता हूँ गिने चुने कुछ एक्टर हैं, मैं जरूर उनकी करूंगा बिल्कुल धीरे धीरे। आज मेरे जो सवाल आएंगे जो मेरे, आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी ना किसी एक्टर की आवाज में करूँ, और कोशिश मेरी यही रहेगी आज, वरना मैं कैरेक्टर में आता नहीं तो फिर वो कैरेक्टर वाली आवाज ही चलती। बट मैं चाहता हूँ कि कुछ और जो गेस्ट हैं वो जुड़े ताकि हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड जो है वो हम यहाँ स्टार्ट करें, क्योंकि ये गेम शो है फन के साथ साथ, जिसमें मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 में से जिसके सबसे ज्यादा राइट आंसर होंगे। भरत भूषण जी थैंक यू, वेलकम है आपका और सबका वेलकम है। तो 10 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसके भी सबसे ज्यादा ठीक होंगे उसको हम लोग प्राइज देंगे, बट 5 कम से कम सही होने चाहिए। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, कुछ इजी भी रहेंगे, तो कुछ बड़े जल्दी देने वाले आंसर रहेंगे, तो थोड़ा दिमाग गूगल करने वाले लोग भी बहुत आगे हैं तो देखा जाएगा। बट आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जितने प्रेजेंट है थोड़ी सी दें मुझे, तो फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। और किसकी आवाज? अच्छा मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी चीज सुनाता हूँ, मिमिक्री भी सुना दीजिए बिल्कुल। और ये हमारे कमेंट आ रहे हैं अमीन सियानी मिमिक्री प्लीज। ओके ये सारे कमेंट थे हमारे, बट मैं आप लोगों को मिमिक्री भी सुनाऊंगा जरूर। आप सबने जॉनी जॉनी यस पापा सुना है? एक बार थम करके मुझे बता देना कमेंट करके कि अगर सुना है तो। जॉनी जॉनी यस पापा ही क्राइम है जो बचपन में बच्चे सुनते हैं। अरे बहुत बार मैंने सुनाई भी है, तो अगर वो आपको पता है तो एक बार थम बताना और मुझे बताना कि आप यहाँ पर हैं। आई थिंक सो गेस्ट बहुत सारे थे आज जुड़ने वाले, और उनको देखना भी है कि कहाँ हैं सारे के सारे। राइट क्योंकि क्वेश्चन आंसर है मेरे। तन्मय आप रेडी हो? तन्मय घर में ही हो बाहर हो कहाँ हो? एक बार ज्वाइन बताना मुझे। आज कमेंट बड़े स्लो आ रहे हैं, क्या सबके नेटवर्क सही चल रहे हैं क्या? क्योंकि कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आज, सारे मुझे लगता है बिजी हैं, कहीं ना कहीं कोई फंक्शन अटेंड करने गया होगा कहीं ना कहीं। हाँ तन्मय का जल्दी से आता है एकदम फटाक से थम आता है। यस सर ओके गुड 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 गुड। सो काफी सारे लोग जुड़े हैं, वेरी गुड। अच्छा मैं जॉनी जॉनी यस पापा पूछा था, अगर किसी को रायम आती हो तो बता देना। जॉनी जॉनी पापा यस पापा ऐसी है ना कि जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग अ लाइन नो पापा ओपन योर माउथ। हा राइट। तो ये वाली अगर ये जो पोयम है ये हमारे मूवी के एक्टर यानी कि हमारे कुछ बॉलीवुड स्टार हमारे वो बोलते तो वो कैसे बोलते, तो इस पे भी आप लोगों को थोड़ा सा बताते जाना कि कौन कौन सा एक्टर मैंने बोला था। इसके लिए कोई प्राइस नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। जो पहले एक्टर है उनका नाम आप लिखते जाना कि ये किसकी आवाज़ थी ये किसकी आवाज़ थी, ठीक है? ट्राई करते हैं। मैंने बहुत सारे ट्राई नहीं करी बट आज मैं ट्राई करूंगा सारे, ठीक है? पहली आवाज जॉडे जॉडे यस पापा एटैक शो गाडो पापा टैले गलाय नो पापा ओपन योर माउथ। नाम लिखते जाना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नाम सारे आते रहे। ओके दूसरी आवाज बहुत प्यारी सी आवाज है, मैं चाहता हूँ वो भी आपको बतानी है। कमेंट करते रहना। हाँ ये आवाज कौन सी थी, ये आवाज कौन सी? सुनील शेट्टी वेरी गुड।
वेरी गुड, क्या बात है। बाकी सारे अगर शायद है जो व्यू कर रहे हैं वो भी कमेंट करें। दूसरी आवाज, ये भी बड़ी प्यारी आवाज है, सुनना। बैडमैन जॉनी जॉनी एस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ बैडमैन। देखो जी, जो अच्छी आवाजें होंगी मैं वही निकालूंगा और आपको उसका नाम बताना, क्योंकि मेरे को पता है जितनी मेरे को आती है। राइट, गुलशन ग्रोवर, वेरी गुड। यूट्यूब के थोड़े से आ रहे हैं। ओके, दीवान सक्सेना, वेरी गुड, वेलकम है आपका। गुलशन ग्रोवर, गुलशन, अच्छा इसके पैसे नहीं है अभी उन दोस्तों की, ये 10 क्वेश्चन में से, ये सिर्फ मैं थोड़ा सा आप लोगों को एंगेज करने के लिए बता रहा हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस लिंक को शेयर नहीं करा है तो प्लीज शेयर कर दें, बहुत जरूरी है ताकि सारे लोग जुड़ सकें। थैंक यू भरत, गुलशन जी, गुलशन ग्रोवर, ओके। अंशिका आ चुकी है, वेलकम है अंशिका, वेलकम भरत जी, देवान संतन में। चलो कम से कम कुछ लोग आए एंड देन क्वेश्चन आंसर भी मैं पूछ सकता हूँ। ओके, एक और आवाज। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ। बताना है, नाम डाल दो फटाफट फटाफट से। मैं आज गाने भी चलाऊंगा एक्चुअली, मैंने मैं आज ये वाला भी बन जाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, आज मेरे पास गाने भी हैं, बट मैंने आप लोगों के लिए अलग से रखा हुआ है। तन्मय सिंगल, वेरी गुड, तन्मय देवांश, वेरी गुड, क्या बात है, अरे वाह, कैसे हो देवांश, वेरी गुड। चलिए एक और आवाज, ये तो वैसे सबने सुनी हुई है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर राउंड पे चलूंगा क्योंकि टाइम भी रहेगा हमारे पास। ओके, भव्य सचदेवा जी आ गई हैं, कैसी हैं आप भव्य जी, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, काफी एक्चुअली में अच्छा लगा, कुछ जाने पहचाने चेहरे से भी देखेंगे, नाना पार्टी करोगे। एक और आवाज है जो मेरी फेवरेट है, जिसका मैं कैरेक्टर भी प्ले करता हूँ और जो नेक्स्ट टाइम में जरूर आऊंगा इस कैरेक्टर के साथ, ये वादा है मेरा, डन है। ओके, ये आवाज, जोड़ी जोड़ी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेली गलाई नो पापा, ओपन योर माउथ। ये वाला तो सुनते ही लोग एकदम से मतलब कह देते कि हाँ ये वाला है। स्टार्टिंग में जब मैं डांस करता था ना, तो एक्चुअली में भूपी पाजी थे, बहुत प्यारे सिंगर हैं, वल्ला वल्ला ट्रैक के उन्होंने गाया था, तो जब हम डांस करने जाते थे तो कहते थे गुंजन माइक पकड़ा आ जाए ना फटाफट से, तो बहुत सारी चीजें करते थे उस वक्त, तब से आदत पड़ी है करने का। तो चलिए गाइस, एक्चुअली मैं बता दूं, ये शो का नाम है एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना, और यहाँ पर मैं पूछूंगा आपसे 10 सवाल, और उस सवालों के जवाब देने पर आपको मिलेगा सेटिंग प्राइस, आई थिंक सो यूट्यूब से थोड़ा सा अम्बरीश पुरी, अम्बरीश नहीं है भरत पाजी, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इस अमरीश पुरी, अम्बरीश, कोई बात नहीं, अमरीश पुरी इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ गया मतलब आवाज से। तो बट मैं आप लोगों से पूछूंगा 10 सवाल और आपको देने हैं उसके जवाब, कम से कम 5 सवाल आपके सही होने चाहिए और आपके पास टाइम होगा 20 सेकंड का, क्योंकि पूछने में, टाइपिंग करने में और आने में कम से कम 5-10 मिनट सेकंड नेट का भी इशू रहता है, तो हम लोगों ने टोटल 20 सेकंड का टाइम रखा है और आपको बताना है उसका जवाब जो हम पूछेंगे, और फर्स्ट जो विनर है उसको मिलेगा 250 का पेटीएम, एंड जो सेकंड आएंगे उनको मिलेगा 150, एंड जो थर्ड आएंगे उनको मिलेगा 100 रुपीज का पेटीएम, ठीक है। और ये जो शो है ये है एस म्यूजिक मेकर की तरफ से, हमारे पवन श्रीवास्तव जी की ओर से, मतलब जानी पहचानी शख्सियत है, सब लोग जानते हैं उनको। तो चलिए मैं सवाल लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, आप सब रेडी हैं तो एक बार थम का जरा मुझे कमेंट में जल्दी से थम दे दीजिए, आप लोग रेडी हैं तो जरा जल्दी से ऐसे करके फटाफट से प्लीज, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ आप सब रेडी हैं भरत जी एंड ऑल दैट, क्योंकि टाइमिंग, क्योंकि मेरे सवाल रेडी हैं, मैं अपना रखता हूँ, तो जल्दी जल्दी से मुझे थम दे दीजिए जो जो रेडी हैं, एंड ओके, वेरी गुड, काफी सारे लोग हैं इस वक्त जुड़े हुए। ओके, गुड़म गुप्ता, अच्छा एक चीज और बोल दूं मैं आपको, अगर आप कोई भी मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं
यानी कि स्टूडियो में आना चाहते हैं, ऑडियंस के साथ लाइव जाना चाहते हैं, तो आपके लिए दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि दो क्वेश्चन का आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि वो हम ऑडियंस से नहीं पूछेंगे, वो हम आपसे पूछेंगे, स्टूडियो ऑडियंस से पूछेंगे। तो जिसने भी ज्वाइन करना है तो प्लीज टाइप करके लिखिए, प्लीज ज्वाइन मी स्टूडियो, ओके, ये आपने डालना है और उसके बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे अपने साथ स्टूडियो में। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, ओके। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि सबके थम आ गए हैं, एंड गुरम गुप्ता एंड ऑल सारे यूट्यूब से जुड़े हैं, वेरी गुड। तो चलिए मेरा पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, रेडी, पहला सवाल, शाहरुख खान ने कौन कौन सी मूवी में विलन का रोल करा है? जल्दी से उन मूवी के नाम टाइपिंग करके एक साथ लिखने हैं, कौन कौन सी मूवी में शाहरुख खान ने विलन का रोल करा है, आपको फटाफट वो नाम लिखने हैं एक साथ, एक बारी में माना जाएगा, 20 सेकंड का टाइम शुरू होता है, अब लिखते रहो। थोड़ा नेट कोई इश्यू तो नहीं हो रहा, मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? हाँ, अब तो देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब पता चलेगा, और क्योंकि टाइपिंग में टाइम लगेगा तो आई गिव यू द टाइम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि फिल्म भी है, अभी तो सोचने में टाइम लगेगा, गूगल पे टाइप करने में टाइम लगेगा, उसके बाद मूवी लिखने में टाइम लगेगा, कितना काम है यार। अब जिसको पता होगी ना उसकी टाइपिंग फटाफट फटाफट आ जाएगी, डॉन डॉन डू बाजीगर अंजाम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे ना एक लड़के से बड़ा प्यार सा हो गया है, तन्मय को मैंने बोला भी था कि अलग अलग नहीं लिखना, एक साथ लिखना है, उसके बावजूद आप अलग अलग लिख रहे हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर तीन जो एक्चुअली में टाइप कर रहे हैं, और गुरम ने यूट्यूब से एक्चुअली वो देख रहे हैं और यूट्यूब से उन्होंने टाइप करे। गुरम आप घर में ही हो या इस वक्त शो पर हो या बाहर हो कहीं बताना, ओके। तो आई थिंक सो जो टाइम है वो अप हो चुका है, और यहाँ पर जो मेरे पास जो आंसर दिख रहे हैं वो भी हम शो करेंगे। तो सबसे पहले आया था जो था गुरम गुप्ता का आंसर, डॉन डॉन टू बाजीगर अंजाम, बिल्कुल सही, चार मूवी के इन्होंने नाम लिखे हैं। और दूसरा लिखा है देवान सक्सेना ने, बाजीगर डर अंजाम डुप्लीकेट डॉन, यानी कि पांच फिल्मों के नाम, वेरी गुड। और इसके बाद तो दे दना दन, तन्मय सिंगल ने भी लिखे हैं बट अलग 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 लिखे हैं, अंजाम बाजीगर डॉन। तो आई थिंक सो ये वाला जो आंसर है देवान सक्सेना का सही है, क्योंकि पांच मूवी के नाम है, और गुरम गुप्ता दोनों का सही है क्योंकि इन्होंने चार मूवी भी लिखी, चार मूवी बहुत होती हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ये डॉन डॉन टू तो एक ही तरीके की मूवी हो गई, अगर ये तीसरी मूवी चौथी मूवी वो हमारे पवन श्रीवास्तव जी देख लेंगे, बट आंसर बड़ी जल्दी आया था, ये बहुत अच्छी बात है। भव्य सचदेवा जी, बाजीगर एंड अंजाम, वी वॉन्ट गुड थी। सुधीर मेहरा जी वेलकम है आपका भाई, बिल्कुल घर ही हूँ, शो कहाँ, शो भी चल रहे, वी वॉन्ट गुत्थी, गुत्थी भी आएगी एक्चुअली में, गुत्थी भी यार बहुत कुछ तैयार होना पड़ता है ना यार, शेव करनी पड़ती है एक्चुअली, मैंने तीन चार दिन से शेव लगातार हो रही थी। रॉकी खन्ना पाजी, हाय हाय क्या बात है, आप जो अब लोग जुड़ रहे हैं मेरा दिल खुश हो रहा है, रॉकी पाजी वेलकम है आपका यार। तो ये है एक बहुत प्यारा सा शो, एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना, यहाँ मैं पूछूंगा आप लोगों से 10 सवाल, एक पूछ चुका हूँ, और आपको मिलेगा फर्स्ट प्राइज 250 का पेटीएम, सेकंड प्राइज 150 का पेटीएम, एंड थर्ड प्राइज इज 100 रुपीज का पेटीएम। और ये जो है इसे लेकर आए हैं एस म्यूजिक मेकर, यानी कि हमारे पवन श्रीवास्तव जी और हमारे सभी स्पॉन्सर जितने भी हैं, लव यू भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरा दूसरा सवाल भी लेकर हम लोग यहाँ आने वाले हैं। तो सुधीर, रॉकीपा जी एंड भव्या जी सब रेडी, थोड़ा टाइपिंग अगर आता है ना फटाफट से टाइपिंग करना है और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, स्पेलिंग मिस्टेक भी हम लोग यहाँ पर जज करते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले से बता दूं क्योंकि आज जुड़े हैं मेरे साथ तो उनके लिए। तो चलिए दूसरा सवाल है, मैं एक प्ले करने जा रहा हूँ आपके लिए,
आपको बताना है उस गाने की मूवी का नाम, उसका कि रॉकी पाजी भी हमारी फील्ड से हैं और बहुत प्यारा एक्चुअली में साउंड अरेंजर हैं, साउंड कंपोजर हैं, बहुत बढ़िया। तो ये गाना आप सबके लिए, रेडी, ध्यान से सुनिए। है ऐसा क्यों बेजुबान। गाना समझ में आ गया ना? गाने का नाम मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा है मूवी का नाम और सिंगर्स का नाम। फटाफट से टाइप करो, आपका टाइम शुरू होता है अब। बफरिंग, ओके, माय मिस्टेक, मैं कुछ नहीं कर सकता, नेट आपका स्लो है, सस्ता नेट मत। एक्चुअली मैं कई बार, मेरा भी सस्ता नेट हो जाता है कई बार, बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, मैं समझ सकता हूं। मैं अभी कोई आंसर रिवील नहीं करूंगा क्योंकि अभी टाइम है, और क्योंकि मैंने पूछा है सिंगर्स का नाम। वेरी गुड, अरे ये तेज फिल्म है भाई। चलो अभी आंसर रिवील करते हैं। राइट, सो टाइम अप। जी हाँ, यहाँ पर टाइम अप हो गया है, और यहाँ पर जो आंसर आया है, सबसे पहले आंसर आया था गुरहम गुप्ता का, उन्होंने सिर्फ जो पहला वाला आपका आंसर मानूंगा मैं गुरहम, आपने मूवी का नाम सही लिखा, एक सिंगर का नाम सही लिखा, मूवी का नाम है शंघाई अरिजीत सिंह। और जो दूसरा आंसर आया था, अभी शो होगा डोंट वरी, वो आया था तन्मय सिंघल जी का, जिन्होंने लिखा था शंघाई नंदनी सिरिकार एंड अरिजीत सिंह, ये है राइट आंसर। गुरम आपका दूसरा आंसर नहीं माना जाएगा जो आपने लिखा है। भव्य सचदेवा ने शंघाई सही लिखा था, बट स्पेलिंग मिस्टेक आपने भव्य जी करनी है, ठीक करनी है। गुरम ने दो दो बार लिख दिया, कह रहा है दो दो बार कर रहा हूं मैं, बट राइट आंसर है तन्मय सिंघल का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए तन्मय के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरा तीसरा सवाल आ रहा है, क्योंकि मैं जल्दी पूछ रहा हूँ, फिर उसके बाद एक आवाज भी आएगी, राइट। एक मैंने आपको डायलॉग बोलना है, ठीक है, मैं आपको डायलॉग बोलूंगा, आपको बताना क्या है कि वो गाना कौन सा है और उस गाने का नाम। भव्य सचदेवा जी आप ठीक है, राइट है, बट एक टाइम लिमिट हम लोगों ने रखी हुई है, आपको उस टाइम लिमिट के अंदर बताना है। गुरम ऐसे वाले इमोजीज मत भेज भाई, ऐसे वाले बड़े बेकार होते, ये तो मुझे आते भी नहीं है, तो मुंह टेढ़ा नहीं होता है, बट अच्छा है, बट सीरियसली कहीं ना कहीं किसी को पता होगा तो जरूर, और भव्य सचदेवा जी ने बाद में बताया, बट टाइमिंग एक लिमिट है 20 सेकंड का, आपको उसके अंदर बताना, यानी कि जिसको पता है। अरे नहीं भैया, थर्ड आंसर देखो, थर्ड नहीं देखना, हमने पहला वाला देखना है। हाँ, ये इमोजी वाला मस्त था, ये जो भेजा है ना तुमने, आहा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, लव यू। चलिए, मैंने आपको बोलना है एक डायलॉग, आपको बताना है उस गाने का नाम क्या है और उस मूवी का नाम क्या है, ठीक है। तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी। तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी, इस गाने का नाम और मूवी का नाम। आपका समय शुरू होता है अब, क्योंकि मेरे क्वेश्चन खत्म होने के बाद टाइम स्टार्ट होना। लव यू टू, बाद में लिखना, पहले आंसर लिखो। पता नहीं, अरे पूजा मैम क्या बात है, वेलकम है पूजा मैम, कैसे हैं आप? अरे वाह, अच्छा लगा आज, बहुत सारे लोग ऐसे मतलब जुड़ रहे हैं साथ में, मजा आ गया देख के सबको यार, लाइव देख रहे हैं तो मतलब जो ज्वाइन करना चाहता है वो भी बता सकता है। सो ओके,
टाइम 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 अप। तो इसका राइट आंसर है, जी हाँ, मूवी का नाम है चाहत और गाने का नाम है दिल की तन्हाई को। और जिन्होंने पहले दिया है वो है तन्मय सिंगल। और किसने दिया है इसका आंसर सही? तन्मय सिंगल। ये कहां से क्वेश्चन लाए हो? तो गूगल नहीं हुआ था गोरम बाबू? ये गाना है दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, ये उससे पहले वर्डिंग आती है और ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें एक और राइट आंसर है, जी हाँ, देवान सक्सेना का चाहत दिल की तन्हाई को। शाहरुख खान जी हैं, पूजा भट्ट जी हैं, वो भी गाने बजाने वाला काम करता है शाहरुख खान, जैसे हम लोग करते हैं छोटे छोटे काम, तो वो वैसे ही करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो शो है इसका नाम है एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना, और हम लेकर आते हैं हर संडे को एक गेम हंसी मस्ती के साथ। और हमारे जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो हम पूछते हैं, 10 क्वेश्चन में से जिसके सबसे ज्यादा सही आंसर रहेंगे उसको हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज करते हैं, हमारा कैश प्राइज है। तो ओके ऑलराइट, तो चलिए मतलब पेटीएम करते हैं। मेरा फोर्थ आंसर, एक डायलॉग है, आपको बताना है कि वो डायलॉग किस एक्टर ने बोला है और मूवी का नाम। और मुझे ये पता है कि एक्टर का नाम और मूवी का नाम फटाफट से आना चाहिए। तो जैसे ही खत्म होगा ये डायलॉग, उसी के बाद से मतलब डायलॉग सुनते के साथ ही आपका मतलब शुरू हो जाएगा टाइम, राइट? डायलॉग रेडी? अर्जुन, मैं तुम्हें भूल जाऊं या हो नहीं सकता, और तुम मुझे बुला दो या मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, ये वाला डायलॉग तो सबको पता चल गया, आपको बताना है एक्टर का नाम और मूवी का नाम, जल्दी से लिख दो। मुझे पता है एक दिन का तो फटाफट फटाफट आ जाएगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मुझे पता था। तो गाइस, आपने कॉपी नहीं करना है, जिसके आंसर सबसे पहले आए हैं वो हमारे दो जने हैं, और ऋतिका सिद्धू जी, वेरी गुड। एक्टर भी बताना है, वाह पूजा मैन क्या बात है, वेरी गुड। और टाइम अप। ओके, देवान सक्सेना एंड तन्मय सिंगल का पहले आया था, एंड देवान सक्सेना वाज वेरी राइट एंड वेरी गुड गौरव गुप्ता एंड पूजा मैम। एक्चुअली में पूजा मैम एक्चुअली में हमारे साथ एक स्कूल में टीचर थी जहां हम लोग सिखाते थे, और अभी वो इस वक्त चंडीगढ़ शिफ्ट हैं और पहले दिल्ली में थी। एंड वेलकम है मैम आपका। एंड ऋतिका सिद्धू जी, आपको एक साथ लिखना है, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं अलग अलग काउंट नहीं होगा, सो सॉरी फॉर दैट टाइम, बट आप नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करना, पहले मैंने दिया था। अच्छा गुरम का अलग रहता है, कहते पहले मैंने दिया था, भाई जिसका आंसर पहले आया है वो हमें दिख रहा है, आप ऊपर देख सकते हो, कोई बात नहीं हमें मालूम है। ओके सर, ओके ऋतिका जी। तो चलिए, ये थे हमारे चार जो थे क्वेश्चन हो चुके हैं, चार क्वेश्चन हो चुके हैं, और अभी तक जो लीड में चल रहा होगा वो बता देंगे। एक बहुत क्विक मैं आपको डायलॉग बोलूंगा, हाँ पहले तूने दिया था भाई, सब बिल्कुल 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 गौरव तूने दिया था। तो एक डायलॉग है, आपको सिर्फ बताना है उस मूवी का नाम, राइट? सिर्फ मूवी का नाम बताना है, और जैसे ही मेरा डायलॉग शुरू होगा आपका टाइम स्टार्ट होगा, राइट? भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, इज्जत हाँ वो भी है। रिपीट नहीं करूंगा कि मैंने क्या पूछा था, अब आपको बताना है कि क्या पूछा था मैंने, जल्दी से। अरे अरे मां कसम, आए तन्मय क्या कर दिया, एंड टाइम अप। So, पहले मैं चाहता हूं कि इसका आंसर जिन्होंने गलत दिया है वो दिखाएं,
अगर अगर पवन जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं चाहता हूँ जरा तन्मय का एक बार आंसर दिखाएं प्लीज। कितना प्यारा लिखा है इन्होंने, वाह। अगर गाना तो ये फटाफट से पहचान लेते हैं। इसका सही आंसर था वेलकम। नाना बाडेकर जी ने ये डायलॉग बोला था, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत इज्जत वो भी है। तो ये वो डायलॉग था और मूवी का नाम था वेलकम। और ये आंसर सही दिया है दीवान सक्सेना एंड गुरहम गुप्ता ने। क्या बात है, जोरदार तालियां मुझे दोनों के लिए। कीप इट अप, वेरी गुड। तो मेरे 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं पूरे, क्योंकि आज मैंने इजी टफ दोनों रखा हुआ है। तो मेरे 5 सवाल यहाँ पूरे हो चुके हैं। तो आपको थोड़े से मतलब ट्रिकी पूछ रहा हूँ कि लोग गूगल ना कर सके, क्योंकि कई बार ना क्या होता है, एक फोन पे गूगल चल रहा होता है, एक पे टाइपिंग चल रही होती है, तो ये उसके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक बार थंब कर दें सारे, जरा फटाफट से जल्दी से एक बार थंब कर दें, रेडी हैं तो फिर मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं एंड देन उसके बाद एक किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको, बड़ा जबरदस्त वाला। ब्रेक भी लेंगे हम लोग। तन्मय का आंसर गलत था। एक बार तन्मय का आंसर प्लीज शो कर नजर। यस, मेरा एक्चुअली में जो आंसर है वो गुरम और देवांश का राइट है सर। वो मूवी थी वेलकम, जिसमें क्वेश्चन था मेरा, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। ओके, सब रेडी है। यस, देवान सक्सेना एंड गुरुन गुप्ता, आप दोनों के आंसर बिल्कुल ठीक थे। यस, ओके, चलिए मेरा 6 क्वेश्चन यहां पर आ रहा है रितिका जी। ओके, मेरे को लगा था कि देख रितिका जी एंड भव्या जी अभी है नहीं यहाँ पर, तो चलिए ये वाला गूगल नहीं हो पाएगा और होगा भी तो जल्दी नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। एक मूवी है जिसमें हीरो हीरोइन दोनों वेडिंग प्लानर होते हैं। एक मूवी में हीरो हीरोइन दोनों वेडिंग प्लानर होते हैं, उस मूवी का नाम और उन दोनों की कंपनी का नाम क्या होता है? वेरी फेमस है, नहीं पता? एक्टर पता चल गया होगा। वो उनकी पहली मूवी थी, वेडिंग प्लानर है मूवी में, उस मूवी का नाम और उनके दोनों इवेंट मतलब वेडिंग प्लानिंग कंपनी का नाम। ये देखो अपनी लाइन से जुड़ा हुआ, ये तो पता होना चाहिए। क्या बात है अनिल जी, पूरा एक साथ आंसर दीजिए। अगर आप मेरा क्वेश्चन पूरा सुना है तो इसके 3 हैं। मूवी के नाम के साथ साथ उनकी इवेंट कंपनी का नाम भी आपको डालना है और टाइम अप, क्योंकि मूवी का नाम बिल्कुल सही था अनिल टेकरीवाल जी का, सबसे पहले आया था। बट सर इसमें उनके दोनों मूवियों में एक्चुअली में उनकी जो पहली कंपनी होती है उसका नाम शादी, इसमें वो दोनों साथ में पार्टनर होते हैं। बट जब बिट्टू शर्मा यानी कि हमारे रणवीर सिंह जी अलग हो जाते हैं तब उनकी कंपनी का नाम होता है हैप्पी वेडिंग। जी हाँ, तो ये आंसर किस किस ने सही दिया है? अनिल जी नहीं, ये देवान सक्सेना ने राइट आंसर दिया है। उसके बाद गुरुम गुप्ता, समय के बाद आए हो आप तो आपका ये वाला आंसर नहीं माना जाएगा। तो शादी मुबारक अनिल टेकरीवाल जी, क्या बात है आप आए हैं। और थोड़ा सा एक साथ देना है, जो आंसर देना है ना वो एक साथ देना है, अलग अलग नहीं लिखना है, क्योंकि होता क्या है ना, आप लोग कहते फटाफट से पहले मेरा आंसर है, नहीं, आप लोगों ने तीनों आंसर जो भी आंसर है वो साथ में लिखने हैं एंड देन पोस्ट करना है। ऑलराइट, कोई बात नहीं, मौका है लिखें भाई। देखो गुरम आपके लिए एक मौका है, तन्मय आपके लिए एक मौका है, और जो भी इस वक्त स्टूडियो में आना चाहता है वो है कि आप हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ, अरे गुरम तुम वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हो कि मैंने पहले दिया था, बट हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है, तुम्हें फोटो खींच खींच के भेज के कमाल करते, आवाज चवाने वाली बातें करते हो।
तो जो हमारे साथ लाइव स्टूडियो में जुड़ेगा तो उसके लिए दो क्वेश्चन का बेनिफिट है, तो जो भी जुड़ना चाहता है प्लीज लिख दे, प्लीज ज्वाइन मी इन स्टूडियो, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं करा है ओके तो वो भी जरूर कर दें। तो ओके चलिए, और अनिल जी जो है मुझे अभी पता चला है अनिल टिकरीवाल जी वो हमारे पैटर्न है, वेलकम है सर, बहुत बहुत आपका एंड थैंक यू वेरी मच इस तरीके के शो पर आप सबका होना, क्योंकि जो हमारा सैटरडे को जो शो आता है वो बहुत जबरदस्त है, हमारे जो प्यारे प्यारे से नन्हे नन्हे से कलाकार आते हैं उनके लिए लाओ लिंक लाओ देखा आदमी आदमी दो क्वेश्चन फालतू के लेकर है, मैं लाइव भी आऊंगा, पहले इसको लाइव लो। अनिल जी नमस्कार आपको, और मैं चाहता हूं कि सर मस्ती के साथ साथ हम लोग थोड़ा गेम शो को और मतलब अच्छे लेवल पर जाए, मतलब थोड़ी सी टेंशन जो लोग देख रहे हैं उनकी भी थोड़ी सी कम हो और थोड़ा लाइव स्टूडियो में हम भी मस्ती कर सके, तो जो भी ज्वाइन हो सकते हैं तो प्लीज ज्वाइन करना, क्योंकि आज थोड़ी गर्मी ज्यादा थी इसलिए मैंने मतलब गेटअप नहीं लिया, बट नेक्स्ट टाइम मैंने पहले आपको बता दिया मुरीश पुरी जी आ रहे हैं तेलका वाले मिस्टर इंडिया वाले, ओए डॉग कभी डॉग नहीं होता, तो बिल्कुल रेडी। सो आई थिंक सो मेरे 6 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, आज ब्रेक नहीं लेंगे अब मेरा नेट मेरी आवाज आ रही है सबको, प्लीज एक बार थम करके बता देना डन है सर, एक बार लिंक सेंड कर दिया जाए अगर पवन जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो, गुरहम को एक बार लिंक सेंड कर दिया, अरे आ गया हाँ बजाओ कैसे हो वो अब देखो कमेंट में जा जाके कि किस किस का पहली आया है, जाओ दाव देखो अरे रब्बा ये आदमी बड़ा खतरनाक है। अबे मित्तल जी वेरी गुड, ओके सबको मेरी आवाज आ रही है, ब्रेक 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 ब्रेक। तो अच्छा एक देखो गुरम इधर आ गया, गुरम बहुत प्यारा सिंगर है, मैं चाहता हूँ गुरम गाना क्या मेरी आवाज आ रही है ना, बोल तो सही, अरे अरे फट रही है एकदम, मतलब अभी ऐसे स्पीकर फट जाएंगे, मतलब मैं चाहता हूँ गुरम एक गाना तेज अब आ रही है हमने, अरे बहुत ज्यादा आ रही है, ओके 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 इसमें नहीं गाना बेटा, एक वो गाना सुना था जो मैंने अभी दिल की तन्हाई को सुना है, तूने गाना वो वाला नहीं, इसीलिए तो नहीं बता पाया, बट एक्चुअली मैंने आप सबको बता दी हमारे साथ जुड़े हैं गुरहम बहुत प्यारा गाते हैं, तो कोई एक गाना हो जाए, दुआ तो आता है, हाँ दुआ वही मैं कह रहा था, दुआ मैं गाऊंगा तो इस आवाज के बाद हम एक ब्रेक लेके एंड फिर सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया कोई राह नजर में ना आए, धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया कहाँ छोड़े न जिस्मों ने साए, यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई लौट के सदा, क्या बात है यार। एंड मैं एक बात बता दूं गुरम, मैं बताता हूँ सिंगर बहुत सारे होते हैं, एक अच्छा परफॉर्मर होना भी बहुत जरूरी है, और तुम एक अच्छे परफॉर्मर भी हो सिंगर के साथ साथ, और मुझे बहुत पसंद हो, मेरे को 3 जने बहुत पसंद है, मैं बार बार ये बात आगे बोलता हूँ और सामने सबके बोलता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं पीछे नहीं बोलता, बट हम चाहते हैं गुरम इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन हो चुके हैं, और उनसे हम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछने वाले थे
क्योंकि वो आधे के बाद आए हैं, तो एक ही पूछेंगे। नहीं, इसके बाद आते हैं उसके बाद बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप लोगों से, जल्द मिलते हैं एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना। हियर वी गो। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। शो योर लव, शो योर केयर, शो योर वार्मथ विद कोको फोम प्रीमियम रेंज ऑफ होम फर्निशिंग्स। सो ये एशियन शूज की तरफ से गिफ्ट आया है। सर मैं आपको कह रहा था ना, शूज बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो हैं, पर मेरे हैं। मेरा टशन, मेरा एशियन। वेलकम है आप सभी एक बार फिर से एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना, और मेरे साथ हैं गौरव गुप्ता। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर्स का। जी हाँ, एशियन फूड फेयर, बिजी सॉल्यूशन, कोको फॉर्म एंड फ्लोरेट, एंड द वन एंड ओनली एस म्यूजिक मेकर हमारे पवन श्रीवास्तव भैया। हाथ जोड़ के नमन है। आज वो दिखे नहीं है, सुबह से शाम हो गई। पीछे पीछे क्या कर रहे हो आप? अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो आगे भी आ जाना। देखो बताना पड़ता है यार, एक्चुअली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं आज। अरे आ गए, एक बार जोर दर तालियां हो जाए हमारे पवन श्रीवास्तव जी के लिए। तालियां, तेरी तालियों की आवाज नहीं आ रही वह म्यूट कर देते हो। ओके, तो पवन जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बंद हो। ये म्यूट खोलना सब भूल जाते हैं एक्चुअली में ना, थोड़ा सा हो जाता है ना कभी कभार, कोई बात नहीं। डायरेक्ट करना पड़ता है ना पूरी तरह सर। एक्चुअली में किसी और ने भी आपको रिक्वेस्ट भेजी थी कि वो इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। अगर कोई और भी जुड़ना चाहता है इस वक्त लाइव स्टूडियो में, तो प्लीज एक बार कमेंट करें ताकि हम आपको फेसबुक पे मैसेंजर पे हम लोग लिंक सेंड कर दें, और आप उस लिंक के जरिए हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ सकते हैं। क्योंकि अभी आधे लोग तो सैंडो में बैठेंगे घर पे। हाँ, अरे का ऐसे करके करना है, और कुछ लोग तो मतलब वैसे ही होंगे क्योंकि लाइव आने में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। इसने भी तो पहले टी शर्ट पहनी है फिर आया ये। यार गर्मी इतनी है, देखो या तो आप एसी वाले रूम में बैठो, और मेरे को इस पर बहुत पसीने आते हैं क्योंकि इस वाले रूम में एसी नहीं है। ये वाला एक तरीके से साउंड प्रूफ रूम बना रखे, इसमें एसी नहीं है, मतलब समझा गुरु। कोरोना की वजह से धंधा मंदा चल रहा था, बट अभी
हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो चलिए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। और मैं चाहता हूँ थम भेज दो, और सर मैं चाहूंगा पवन जी इसको लीड कौन कर रहा है एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दो आप हमें। इस टाइम पे अगर सबसे पहले सही आंसर देने वाली बात है तो तन्मय सिंगल ने तीन सही आंसर सबसे पहले दिए, उसके बाद देवांश सक्सेना ने दो आंसर सबसे पहले सही दिए, गुरम ने एक आंसर सबसे पहले सही दिया। ओवरऑल कितने सही मतलब जो टाइमिंग, ओवरऑल में अगर हम जाएं तो देवांश सक्सेना इस टाइम लीड पे। ओके, और गुरम गुप्ता को ना ये शक भी दूर करना है हमने कि पहले मैंने दिया था, आज इसके आंसर भी मैं देखना चाहता हूँ कि तू पहले दे रहा है या कोई और पहले दे रहा है। प्राइवेट चैट में रहना। ओके, तेरे तो प्राइवेट चैट में पोस्ट लेट होता होगा नेट की वजह से, ये होता है। तो दादा तभी तो हम 20 सेकंड का टाइम दे रहे, वरना 10 सेकंड का ना दे। अरे तो इसीलिए तो वो हो जाता है। हाँ हाँ बाबू, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। सर मैं अपना सातवां सवाल पूछने जा रहा हूँ, उसके बाद चार क्वेश्चन हैं अभी भी। तो गौरव अब तुम्हारे पास टाइम है और तुम रीड कर सकते हो। ये सवाल मैं पूछूंगा, यानी कि मैं पूछूंगा से मेरा मतलब है पवन श्रीवास्तव जी वो सवाल पूछेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां सवाल वो पूछेंगे पवन श्रीवास्तव जी। एक गाना है वो मैं हल्का सा गुनगुना के बताऊंगा, उस गाने में को गाया है अमित कुमार जी ने, तो मैं पहले गाना बताऊंगा उसके बाद वो क्वेश्चन पूछूंगा। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियां ये रहना और तुम। इसमें अमित कुमार साहब के साथ एक मेल सिंगर और एक फीमेल सिंगर ने वॉइस दी है, वो दोनों वॉइस किन सिंगर्स ने दी? अरे माथा नहीं फोड़ना है, माथा नहीं फोड़ना है, अरे बाबा क्या कर रहा है, माथा नहीं फोड़ना, टाइप करना है, टाइप करना है, टाइप करना है, टाइप करना है। गूगल में टाइम लगता है सर, मेरा चैलेंज है इसका एक आंसर तो गूगल पे मिलेगा ही। पाजी आप आते किस लिए हो? आप तो आते इसीलिए हो कि कोई आंसर ही ना दे। ये पता नहीं कहां से बाबा आदम के जमाने के क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं। मैं सोचता हूं थोड़े बच्चे आसान आसान दे दे। गाना आज तक सुपर है। अरे किसी की टाइपिंग नहीं हो रही, सब गूगल कर रहे हैं। गाना तो हिट है, तुम हिट कर लो। मैं अगला इनके सवाल आगे इनको भी ऑफ से हटाओ इनको सामने से। रजनी शर्मा अमित कुमार इसमें 20 इसमें 20 सेकंड फालतू दे रहा हूँ गुंजन, मैं 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। और मेरा सवाल यह है अमित कुमार साहब के साथ किन दो मेल सिंगर्स ने आवाज दी है, एक मेल सिंगर और एक फीमेल सिंगर, उन दोनों सिंगर्स के नाम बताने। कर लो बात, गलती हो जाती है मेरी, मैं इन आदमी को बुला लेता हूँ ऑन स्क्रीन, मेरी गलती हो जाती है। ये बाबा तुम मत आया करो, ये पिछली बार भी आए थे भाई साहब। सुपर हिट सॉन्ग है, उसके बाद तो उसपे उस टाइटल पे सीरियल भी बना, सीरियल भी सुपर हिट हुआ, आज भी हर शो में ये गाना नया सिंगर हो चाहे कोई भी हो जरूर गाता है। जब टाइम अप हो जाए बता दे। वो तो गए कितने 60 सेकंड हो गए, एक मिनट से ऊपर हो गया सवाल पूछ के। म्यूट खोल बच्चे, कुछ दिल की बात। म्यूट खोल, टाइम अप गुंजन बताएगा। इसका आंसर है
सही जवाब है रजनी शर्मा। गलत। ओ रजनी शर्मा गलत आंसर। हाँ तो रजनी शर्मा मैंने बताया ये गलत है, मैं यही बोल रहा हूँ। वही तो गलत है, एक तो सुनते नहीं हो यार। तूने बोला था वो एक्चुअली नेटवर्क चला गया था। हाँ वे समझते नहीं हो यार मेरी बातों को, तुम लोग ना सीरियसली लिया करो। पाजी बता दो यार, मेरे क्वेश्चन पड़े रह जाएंगे। अब ये बोल रहे कजरी शर्मा, गुरहम गुप्ता का आंसर देखो कजरी शर्मा। कजरा मोहब्बत वाला है, कहाँ कहाँ डालोगे। मैं बता देता हूँ कि कल ही ये बात मुझे भी नहीं पता थी, और इस गाने में ये तो मुझे मालूम था कि मेल सिंगर दूसरे कौन है जिन्होंने ओ मांझी रे, ये आर डी बर्मन साहब ने आवाज दी थी जो इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर है। लेकिन कल ही मुझे पता लगा कि फीमेल सिंगर इसमें कौन थी, क्योंकि इसकी जो प्लेबैक सिंगर हैं उन्होंने खुद मुझे फोन पे बताया, कल अमित कुमार जी का बर्थडे था उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि पवन बेटा इसमें जो और ये जो शब्द बोला और एंड में जो हमिंग चलती है वो मैंने दी है, और ये कहीं भी गूगल पे अवेलेबल नहीं है, किसी सीडी पे अवेलेबल नहीं है, किसी पोस्टर में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन वाले मेरा नाम देना भूल गए थे, और वो नाम उस टाइम था सुषमा श्रेष्ठ, जिन्होंने गाना गाया था तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, इतनी शक्ति हमें देना दाता, और बाद में उनका नाम हुआ पूर्णिमा श्रेष्ठा, जिन्होंने शाम है धुआं धुआं और सोना कितना सोना है चने के खेत में ऐसे ऐसे सुपरहिट गाने गाए हैं, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, पूर्णिमा दीदी ने बताया कल कि ये पार्ट उन्होंने गाया था, तभी तन्मय ने पूर्णिमा जी लिख दिया फटाफट से। हाँ तो उसको पता है कि मुझे, मैं दीदी किनको बोलता हूँ। तेज बढ़े हैं बच्चे, सर अब वो माननीय नहीं है आंसर पर, है ही नहीं ना, मैंने जब बता दिया आर डी बर्मन साहब तो वो लिख रहा है आर डी बर्मन, जब मैंने कहानी बता दी तो उसकी बातें पे कहाँ जा रहे हो, समय समाप्त हो चुका है, वो कब का हो चुका है, ये बोरियों की साइड नहीं। ऐसे मत बोला करो तुम, मेरे को किसी की याद आ जाती है, राज्य का अर्थ शो है क्या। ओके सो मैं चाहूंगा पवन जी वापिस बैक स्टेज चले जाएं। अगर पवन जी आएंगे तो उनके सवाल ऐसे होंगे कि कोई आंसर नहीं दे पाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि सबके आंसर आए। सो गाइस जल्दी से जल्दी से थम कर दीजिए, और मेरा सातवां सवाल आ रहा है, ये वाला मान्य नहीं है एक क्वेश्चन। ओके मेरा एक सातवां सवाल है, गुरुम आर यू रेडी, मेरे को तू सामने से थम दे दे। डन डन डन, एवरीवन प्लीज एक बार मुझे थम दे दो फटाफट से, और मेरे चार सवाल है बैक टू बैक आने वाले हैं। रिवांश ओके वेरी गुड, चलिए और भी किसी का अगर आ रहा है तो जल्दी जल्दी से कर लो। मुझे लग रहा है जो देख रहा है वो तन्मय रिवांश कुरम और कोई है, तो प्लीज थम करे ताकि मुझे पता चले तीन ही लोग हैं, इनमें से पहल दूल तील करनी पड़ेगी। बचपन में नहीं करते थे तेरी पहल तेरी दूल तेरी बैठ के पीछे लाइने डाल के, तो वैसा वाला काम करना पड़ेगा। ओके सो गाइस मेरा सातवां सवाल, ओके पूजा मैम भी हैं, थैंक यू वेरी मच मैम। आपको बताना है इस सवाल में, मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं उसमें हीरो हीरोइन का नाम असली वाला और मूवी में उनका नाम क्या है, यानी कि आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम कि इस मूवी में किसने वो रोल करा है और उनका असली नाम, राइट। और मेरा सवाल शुरू होते ही आपका टाइम शुरू हो जाएगा, राइट। मूवी का नाम है रब ने बना दी जोड़ी। टाइपिंग स्टार्ट। पंजाब पावर लिमिटेड में काम करते थे वो। देखते हैं ओके गुरु बाद में बताऊंगा।
आए पढ़ ले। अभय मित्तल, उनका मूवी में जो नाम था वो भी लिखना है। दोबारा मैं मानूंगा नहीं, और आपका टाइम खत्म होता है अब। ओके, पवन श्रीवास्तव जी आ गए हैं सामने, क्योंकि इनको पता था, क्योंकि इसके आंसर बड़ा ट्रिकी है। शाहरुख खान जी ने दो रोल निभाए थे, पर उनका जो असली जो किरदार था वो था पंजाब पावर लिमिटेड में, वो थे एक मैं क्लर्क। इसीलिए सामने आया हूँ, मैं इसीलिए सामने आया हूँ। योर क्वेश्चन वॉज कि उनका नाम क्या था, हीरो हीरोइन का करेक्टर का नाम क्या था, तो ये नहीं नाम क्या बोला था था, कि ओरिजिनल करेक्टर का नाम क्या था। कैरेक्टर का नाम क्या था, तो करेक्टर तो दो थे, तो दोनों नाम सही बताने थे। जितने तो दोनों नाम, तो इसमें सिर्फ और दोनों सिर्फ नाम सही बताए होंगे उसको प्राइज मिलेगा। दोनों नाम। बिल्कुल, इसमें दो करेक्टर, इसमें एक नाम था सुरेंद्र सहानी और दूसरा नाम था राज, यानी कि राज कपूर, बट वो राज कपूर नहीं था, बट वो राज नाम था, और अनुष्का का नाम था तानी। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा, यानी कि ये वाला जो आंसर है वो किसी ने भी सही मेरे नहीं हिसाब दिया। से, तो क्योंकि कईयों ने आंसर इसका सही भी दिया है किसी ने भी सही और नहीं सही दिया, दिया है मोस्टली, बट कहीं ना कहीं शाहरुख खान के दो पूरा रोल नहीं के दिया, बाद मतलब पूरा आंसर नहीं दिया। पूरा आंसर किसी ने नहीं दिया, राइट? सुरेंद्र सहानी, राज, तानी। पूजा मैम, टाइम खत्म हो गया अब आपने सुन के दे दिया आंसर, ये राइट है, सुरेंद्र राज सैनी नहीं, सानी था। सहानी था। कोई बात नहीं, चलेगा, टाइमिंग एरर है, बट ये आंसर वैलिड नहीं है किसी का भी। मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन के लिए दोबारा से, रेडी? मैं एक गाना यहां पर प्ले करने जा रहा हूं, राइट? और आपको बताना है इस गाने के सिंगर्स का नाम और मूवी का नाम। रेडी? ये बस थम तो दिखा दो। हाँ, ये वाली बात हुई ना। क्वेश्चन सुना था मेरा पक्का? आपने सिंगर और मूवी का नाम बोला दोबारा बताऊंगा मैं तेरे को, रिकॉर्डिंग देख लियो तो। था, माँ कसम अब मत बोलो। म्यूजिक मैंने देने वालों का नाम पूछा था क्या? तो रुक जाना, मैं भी बताऊंगा तुझे मैंने क्या पूछा था, मैं बताऊंगा। ओके, हाँ टाइम इज अप। मैंने साफ साफ बोला था इस गाने के सिंगर्स और मूवी का नाम, ये गूगल करके बता रहे हो आप, वेरी गुड, बट ये मान्य नहीं है, सॉरी। ये आंसर जो राइट था वो था, फीमेल जो वॉइस थी वो थी शाल्मली खोलगढ़े की, सिद्धार्थ बसरूर, बेनी दयाल, ABCD2। थोड़ा डिफिकल्ट भी तो पूछना चाहिए, बट गाने का नाम था, बताओ गुरु, बोलो, नाच मेरी जाना। नाच मेरी जान नाच। तो ये वाला आंसर भी मेरे ख्याल से किसी ने टाइम पर नहीं दिया, दीवान सबसे ना लेट गाने का नाम आपने पूछा भी नहीं था।
गाने का नाम मैंने पूछा ही नहीं था, मैं तो तुमसे पूछा है गाने का नाम था। मैंने सिर्फ जो पूछा था यही, मैंने मैंने ये भी बोला था सिंगर्स का नाम, मैंने सिंगर नहीं बोला था, मैंने कहा सिंगर्स का नाम। तो यानी कि आपको तभी देख तूने दिया अच्छा था, बट दो और थे उसमें। चलो कोई नहीं, अब वाला जो है ना बहुत ईजी है, तो प्लीज मैंने पहले कर दिया था, कोई नेट इश्यू होगा तो अब हम नहीं कर सकते, हमारे टाइम पर हो चुका है, बाकी हमारे सर जी देखेंगे। ठीक है, रेडी है? मेरा नौवां सवाल, तेरे को दो आएंगे तू टेंशन मत ले गुरम, तेरे को दो क्वेश्चन आएंगे, तू सबर कर। ओके, तेरे को आएंगे, क्योंकि जो स्टूडियो में जुड़ेगा उसके लिए बेनिफिट है बाबा, जुड़ो तो। ओके ऑलराइट, अब आपको बताना है तीन एक्टर का रियल नेम, इन तीन एक्टर का रियल नेम, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अक्षय कुमार, तीनों का नाम एक साथ लिखना है, इनके रियल नेम, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अक्षय कुमार। गूगल नहीं कर रहे क्या? गूगल नहीं कर रहे क्या? ढूंढो, एक्चुअली में ये तो पता होना चाहिए यार, ये तो कॉमन से नाम है, 36 बार सुने होंगे आप लोगों ने यार। मेरी आवाज आ रही सबको? पहले ये बताओ। ओके, तन्मय बेटा जो तुम गूगल कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया, हम बताते हैं तुम्हें। राइट, ओके, टाइम अप। यहां पर आंसर मेरे पास, मैं बता देता हूं आपको। एक्चुअली में क्या था ना कि जब आप गूगल करोगे ना, जब आप जैसी गूगल डालोगे ना अक्षय कुमार का असली नाम, तो वो नाम बताएगा पासपोर्ट वाला नाम, जिसमें पापा का नाम भी लगा हुआ है, राजीव हरिओम भाटिया, वो गलत है, ये गूगल वाले थे, मुझे पता था ये करेंगे, क्योंकि राजेश खन्ना जी जतिन खन्ना बिल्कुल ठीक है, यूसुफ खान दिलीप कुमार जी सबको पता है। उसके बाद हमारे जो आंसर थे, यानी कि यहां पर जतिन खन्ना, मोहम्मद यूसुफ खान, रजी, अक्षय कुमार ना मेरा बहुत फेवरेट है, और हरिओम पता क्या था, फादर नेम था, और ये पासपोर्ट का नाम है, क्योंकि जब मैं कोई क्वेश्चन बनाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा विकी कर लूँ, बहुत जरूरी होता है मुझे, आप लोग क्योंकि आप लोग क्या करते हो फटाफट से। तो जतिन खन्ना वाज राइट, यूसुफ खान वाज राइट, एंड राजीव भाटिया इज राइट। तो आंसर जिन्होंने भी दिया है कोई बात नहीं, जतिन खन्ना राइट, मोहम्मद यूसुफ खान राइट, यूसुफ खान भी राइट, एंड राजीव हरिओम भाटिया भी राइट, बट तन्मय की, जतिन खन्ना की स्पेलिंग गलत है, और तेरा भी ठीक है, गुरम का भी ठीक है, गुरम का भी ठीक है, जतिन खन्ना, मोहम्मद यूसुफ खान, राजीव हरी ओम भाटिया, राजीव राइट, एक बार मैं चेक कर लूं राजीव की स्पेलिंग ठीक है। ओके, पवन जी आए हैं, कुछ बोलने आए हैं, क्योंकि ऐसे तो आते नहीं, आओ पवन जी। मतलब गूगल करने की भी एक हद होती है, देख रहे हो, मतलब लोग ना टाइप नहीं कर रहे, लोग टाइप में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लोग ये देखते हैं कि गूगल पे क्या नाम आया, पेल दो। बता दूं मैं, क्योंकि स्पेशली तन्मय को स्पेलिंग MUH नहीं होती, MO होती है, अगर गूगल पे टाइप करोगे
तो ऊपर जो नाम आएगा वो आएगा MUH, वो है मिस स्पेल। तो स्पेलिंग है, अगर देखनी हो तो जाके विकिपीडिया पे देखना, MOH होती है। पाजी मैंने इसीलिए ना, मैंने सिर्फ विवान सक्सेना बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन वो भी गलत आंसर है क्योंकि मोहम्मद यूसुफ खान बहुत इज द राइट आंसर, नॉट यूसुफ खान। और ये मजहब में मोहम्मद लगाना पहले बहुत जरूरी होता है, तो अगर हम सिर्फ यूसुफ खान बोलेंगे तो वो गलत होगा। फिर मेरा तो ठीक है, फिर मैंने जो लिखा हुआ था मैंने वो बेटा जी गूगल किया था, और राजीव मैंने राजीव हरिओम भाटिया, मेरे को यही पता था। मेरी बात सुनो, आपकी अदालत में जब वो आए थे एक बार, तब उन्होंने अपना नाम बताया था और वही याद है मुझे आज तक। अब तो तू सर पकड़ा हुआ था ऐसे करके, तो तेरे को पता नहीं चल रहा था राजीव हरिओम भाटिया। अरे तो इसी वही तो याद ही तो किया। हाँ तो गलत है ना। अरे अब एक मिनट, अगर अपने नीचे कमेंट में लगाइए तो ये, अरे उसका भी गलत है, अरे उसका भी गलत है, अरे उसका भी गलत है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि अब पेपर्स पे नाम ऐश्वर्या राय बच्चन को ही करा चुका है, अगर किसी से पूछा जाएगा उनका ओरिजिनल नेम क्या है तो ऐश्वर्या राय बोला जाएगा, ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं बोला जाएगा, बच्चन नहीं बोला जाएगा, ऐश्वर्या राय बोला जाएगा। बट कोई बात नहीं, बट ये वाला सवाल आप चेक कर लो सर, मैं अपना लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ। 0-0 किसी ने भी नहीं दिया। वैसे तो 10 आंसर हो चुके हैं, वैसे तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन मेरे वाले इनवैलिड कर दिया गुंजन ने, गुंजन की पेमेंट कट। पेमेंटें मिल गई, मेरे बच्चे बड़े पड़े हैं आप। ओके जोक्स अपार्ट, बट मैं बता दूं मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर जिसका सबसे पहले आएगा, अब चाहे नेट इश्यू हो चाहे कुछ भी हो, उसका माना जाएगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सुनते के साथ ही टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जिसका सबसे पहले आएगा, पवन जी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिल्म हेरा फेरी के डायरेक्टर का नाम क्या है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, पहले चाहिए मुझे पहले। फिल्म हेरा फेरी के डायरेक्टर का नाम क्या है? करो गूगल, जिसको पता होगा ना फटाक से आएगा। यस, ये बात तो, यानी कि ये पहला जो आंसर था नीरज दत्ता, चल सबसे पहले किसका आया है एक बार चेक करके बता दो मालिक। मालिक मालिक मालिक, सबसे सही आंसर है मेरा। अब मैं सबको फंसा सकता हूँ। किस किस को फंसाओ? बहुत सारे सही आंसर है, मैं सबको बता सकता हूँ। सबसे पहले गुरम ने दिया आंसर, फिर देवांश ने दिया, फिर अभय मित्तल जी ने दिया, फिर तन्मय ने दिया, सबने सेम आंसर दिया प्रिय दर्शन। अब अगर चैनल ने अपना खर्चा बताना है, चैनल ये भी बोल सकता है कि ये हेरा फेरी जो क्वेश्चन पूछा वो अमिताभ बच्चन वाली फिल्म। अगर चैनल बचाना चाहता है, ये आदमी आके मेरे सवाल पे उल्टा पुल्टा कर देता है यार। ये आदमी पहले इनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, ये वाले सवाल है क्योंकि प्रकाश मेहरा जी ने फिल्म बनाई थी। और अभय मित्तल का आ गया प्रकाश मेहरा। हाँ वही कह रहा हूँ ना कि मेरे बोलते ही आ गया वो। राइट आंसर जो सबसे पहले आया है वो किसका है? बुरहम का, पर वो गलत है। चार डायरेक्टर हैं इस मूवी में? नहीं नहीं, मेन डायरेक्टर प्रिय दर्शन है। ये प्रिय दर्शन ही है भाई साहब। इनसे ये पूछा था कि किसका आंसर सबसे पहले आया, ये भी पूछा था सही आंसर किसका आया सबसे पहले। तो जीतेगा तो वही जिसका सबसे पहले आया। गलत होगा थोड़ी ना मिलेगा। जीतेगा तो वही जिसका सबसे पहले आया। राइट, अब मेरे लिए दो सवाल आ रहे हैं, जब तक आप कैलकुलेशन कर लोगे किस किस पे आ गए हैं, एक बार आंसर बता दो ताकि। सबसे पहला जो आंसर सही दिया वो देवांश सक्सेना ने दिया। ठीक है बेटा, शाबाश। तो अब आप एक काम करें,
एक बार जोड़ तोड़ भुन कर लो, क्योंकि गुरम के दो सवाल जो है वो पवन श्रीवास्तव जी पूछेंगे। हे भगवान, अरे भगवान उसको, अरे उसका माथा पकड़ लिया, अरे अरे बंटी, सही बात। सेंट इट फर्स्ट। देखो जी, जिसने अपना भेजा है ना, जिसने भेजा है उसने फर्स्ट ही भेजा है, बट जो हमें रिसीव हुआ है, जो हमें यहाँ दिख रहा है, वो रिसीव हम पहले देखेंगे। आपकी रिसीव से हमें नहीं पता, आपने फटाफट से लिख दिया, ओके। वो बिफोर दिपांश जी रहने, अबे लड़ना नहीं है, अब कोई लड़ना नहीं है। अरे अरे कमाल पंडित जी, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। हमने चैनल पे तो देख ही लिया और साथ साथ मैं इसको कंफर्म, क्योंकि दोनों ये फेसबुक से लॉगिन है। ओके, तो मैं फेसबुक पे भी देख लेता हूँ। एक बात चेक कर लीजिए कि किसका आंसर पहले आया है। अब मित्तल और देवाल सत्तन दोनों लड़ रहे हैं। मैंने पहले भेजा। सर हमारे पास जो रिसीव्ड आएगा हम उसको पहले मानेंगे। मेरे तन में अलग आया, मेरा मेरे। गाइड्स, मैं आप सबको बता दूं, सिंपल सा है, हमारे पास जो सबसे पहले आएगा हम उसे मानेंगे। नहीं, लड़ाई का मेरा मतलब वो वाली लड़ाई नहीं, तकिए लेके और वो वाला, वो प्यार वाली लड़ाई होती, रहने दे भाई, तेरा भाई देख लेगा, वो वाली लड़ाई, तू हाथ तो लगा, वो वाली लड़ाई करेगा कोई कुछ नहीं। बट कहीं ना कहीं सही आंसर का मतलब बहुत जरूरी है। फेसबुक पे भी कंफर्म है, एग्जैक्ट टाइमिंग मेरे पास चैनल पे भी आ गई है। क्या आ गई? देवांश ने पहले दिया। प्लीज आप, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइमिंग आ रही है, सब कुछ मैसेजेस है, बेशक हम इसको शो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभय मित्तल को एक दिन लेकर आओ, देवान सिक्कना को सबको लेकर आओ। तो चलो एक काम करते हैं, दो क्वेश्चन पूछने सर जी, वो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो या मैं पूछूं? गुरम से पूछ ले पहले, कौन पूछेगा? मैं पूछ लेता हूँ, गुरम खुद से पूछ लेता हूँ, खुद से पूछ लेता हूँ, खुद का सवाल। आपको क्यों कष्ट दूं मैं दोनों को? आपसी नहीं नहीं आप लोगों को कष्ट नहीं, क्वेश्चन तो हम ही पूछेंगे। पूछो क्वेश्चन, गुंजन ही पूछेगा क्वेश्चन, मैं ही पूछूंगा। मैं देख रहा हूँ ना पुराने कौन से थे जिसमें मैंने, मतलब जो जिसके आंसर आए नहीं थे वो वाला पूछूंगा मैं तेरे। ओके, तेरे को आंसर देना है यहाँ पर लाइव बोल के, और तेरे पास टाइम होगा सिर्फ 10 सेकंड का। अच्छा, ओके, तो तू माइक ऑफ नहीं करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन गुंजन पूछेगा, एक क्वेश्चन मैं। ठीक है, हाँ, तो पहले पवन भैया आप बोल दो, वो तो जवाब देगा नहीं, मेरे वाले का दे देगा, पहले आप पूछ लो। नहीं, वो दे दो, अच्छा है, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, दे देगा फिर। ठीक है, ओके। सवाल बड़ा प्यारा है, रेडी? फिल्म डियर जिंदगी में शाहरुख खान का नाम क्या था? आज जहांगीर खान। नौ, 10। जहांगीर खान बोल चुका मैं। हाँ, सुन लिया बेटा, सुन लिया, सुन सुन लिया। हाँ हाँ, सुन लिया। ये कहाँ से आया था बेटा, किधर से सुना ये वाला? भाई साहब उस एपिसोड में मैं था, एक मिनट, मैं उस एपिसोड में था जब ये एपिसोड, ये मैं उसी एपिसोड में जीता था। हाँ हाँ, ठीक है, पर इतनी लेट क्यों बताया तूने? याद भी तो करना पड़ता है। मम्मी फोन लेट लाई ना सामने। हाँ हाँ, मम्मी पुलाव बना रही है सर, अभी बोल रही थी, सर को बोल दे आ जाएंगे। चलो ठीक है, आते हैं और आप सवाल पूछेंगे पवन श्रीवास्तव।
डोंट वरी बी हैप्पी गाने के ओरिजिनल सिंगर का नाम क्या? ये मैंने गाना ही नहीं सुना. डोंट वरी बी हैप्पी. डोंट वरी बी हैप्पी. ऑडियंस भी दे सकती है इसका जवाब, इस गाने का ओरिजिनल सिंगर का नाम क्या? बता दूं? हाँ. बॉबी डेस्पेरिन. इंग्लिश पढ़नी आती नहीं है, गूगल पे भाई ने दिखा दिया निकाल के. पढ़ी जानी रही है इंग्लिश. बेटे मौज जल्दी मौज. बेटे बेटे सही है मेरा आंसर. बॉबी मैकफेरन. आगे वाला बोलूंगा नहीं ना. बॉबी मैकफेरन यही बोला मैंने. बॉबी मैकफेरन क्या बोला मैंने बता ना. रिकॉर्डिंग चलाऊ? हाँ मैंने क्या बोला आप बताओ. वो देखो ये सही आंसर आया है. गूगल बहुत अच्छे से टाइप किया है इसने. मैंने क्या बोला आप बताओ. इतना अच्छा गूगल से कॉपी किया है और उसने कॉपी पेस्ट किया है ये, क्योंकि मैक के बाद एफ कैपिटल में है गूगल पे. ओ मैकफेरन. एफ कैपिटल टाइप नहीं हो सकते, इसने कॉपी पेस्ट किया है. ये तो गुंजन जीनियस देख रहे हो. जीनियस देख रहे हो. रुक जाओ, आप सब के लिए एक. जब हम टाइप करते हैं कहीं पे भी, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, तो पहला वर्ड कैपिटल आता है, बाकी सारे स्मॉल में आते हैं. इतने फास्ट टाइपिंग कैसे हो गई कि बी कैपिटल फिर एम कैपिटल फिर एफ कैपिटल. ये कॉपी पेस्ट है एग्जैक्ट. और ये एक आया है, ये देखो आलिशान तेरी चोरियां. बट ये गाइस थैंक यू वेरी मच. साथ ये अलग ही है, ये तूफान मूवी. उसके बाद ये हिंदी वर्जन आया था जिसको अमिताभ बच्चन साहब ने गाया था. ये हिंदी वर्जन बाद में आया था. ओरिजिनली बॉबी मैकफेरन बोल रहे थे. अंशिका कह रही है मैंने सर खुद लिखा है, मतलब कैपिटल को कैपिटल किया बी को, फिर बी लिखा, फिर सी स्मॉल में लिखा, और उसके बाद एफ फिर से कैपिटल किया. सही, बिल्कुल सही कह रही है सर. एक्चुअली में क्या होता है, जैसे पहला वर्ड आ गया उसके बाद स्पेस डाल दिया, फिर उसके बाद पहला आ गया फिर सी डाल दिया, फिर एफ इसमें खुद से डाला. समझा कितनी मेहनत है देखने. तो थैंक यू वेरी मच साथ जुड़ने के लिए. तो अभी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं कि हमारे सेकंड थर्ड फर्स्ट क्या है, जो भी है वो पवन जी अनाउंस करेंगे. तो पवन जी जय माता दी. है भी नहीं है 100 रुपया तो अपन जीत जाएगा. 5 आंसर दिए हुए हैं पवन जी. देखो मैंने भी अगर अब यहाँ पे नाम टाइप मैं कर रहा हूँ तो मुझे कैपिटल स्पेशली करना पड़ रहा. ऑटो कैपिटल कोई कुछ नहीं होता. ऑफ कोर्स आई नो. तो फर्स्ट प्राइस जो है 250. देवांश सक्सेना जिसने टोटल जो सही आंसर दिए हैं, वैसे सबसे पहले जो सही आंसर दिए हैं देवांश ने वो दिए हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा जो आंसर दिए हैं, 3 आंसर दिए हैं देवांश ने. लेकिन ओवरऑल जो देवांश ने सही आंसर दिए वो 6 सही आंसर दिए. गुड वन, वेरी गुड, मुबारक, कांग्रेचुलेशन देवांश सक्सेना. उसके बाद तन्मय ने 2 सही आंसर दिए सबसे पहले, और वो 2 ही सही आंसर दिए हैं. सॉरी 3 सही आंसर दिए हैं तन्मय. 2 नहीं 3 सबसे सही आंसर दिए हैं सबसे पहले, और वो ही सबसे सही आंसर थे. बाकी सारे राजेश अरोड़ा वाले आंसर दिए थे जिसको हमें पसंद नहीं आया. आतू मैंने देखो, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे को ये तुम्हारी टाइपिंग भी पसंद नहीं आई. आतू ये कैपिटल कैसे बनाते हो, हमारी तो जान निकल जाती है भाई. I love you. और दोनों में टाई है, गुरम ने भी 3 आंसर सही दिए हैं.
लेकिन गुरु ने सबसे पहले जो दिया वो एक ही आंसर सही दिया, बाकी दोनों बाद में। सौ तो मिल जाएंगे ना सौ तो मिल जाएंगे ना इस हिसाब से जो नहीं, आप बिल्कुल सही जानते थे अभय मित्तल जी कि अमिताभ बच्चन जी ने वो गाना गाया है, लेकिन उसका रीमेक जो है हिंदी में जब रीमेक हुआ था डोंट वरी बी हैप्पी का, वो बच्चन साहब ने गाया था। और ओरिजिनल जो डोंट वरी बी हैप्पी गाया है, मेरा क्वेश्चन ये था कि ओरिजिनल सिंगर का नाम क्या है, वो है बॉबी मैकफेरन। यू आर वेरी क्लोज। ओके, तो अब कायदा ये कहता है कि जैसे दो आंसर प्राइस बताओ किसको मिला सेकंड और थर्ड। लड़के स्माइल ला, लड़के तू है तू है। खोजबीन जारी रहती है ना, किसका कमेंट पहले आया, किसने करा, फिर इधर भी चेक करना है, तो वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कुछ आंसर थे जो मेरे ख्याल से तन्मय सिंगल एंड गुरुम गुप्ता दोनों को मिलते हैं 125-25 ईच, क्योंकि ये टाई था, इसमें सोर्स नहीं मिलेंगे, इसमें दोनों को बराबर मिलेगा। अरे नरब बदायूं के लल्ला, अब आएगा मजा। तो ये थे हमारे आज के विनर, जो हमारे पहले विनर थे वो थे देवांश सक्सेना, जिनको मिलता है 250 का पेटीएम। और दो हमारे ऐसे विनर हैं जो मेरे खास अजीज हैं, मेरी जान हैं, यानी कि पहले हैं गुरुम गुप्ता और दूसरे हैं तन्मय सिंगर, इनको मिलता है 125 ईच पेटीएम। तुम दोनों के नंबर तो होंगे, तो अभी ले लो जाके। ये क्या लिखा है, गुरंग जी रुपीज 100 के लिए फिंगर क्रॉस करके बैठे हो, हा हा हा। गुरंग नहीं है सर, इसको बोलते गुरहम, आप गलत जा रहे हो। ये नंबर है, इस नंबर पर आपको जो विनर है देवांश सक्सेना एंड गौरव गुप्ता एंड हमारे जॉइंट विनर कॉन्ग्रेचुलेशन, जी हाँ, हमारे अनिल टेकरीवाल जी हमारे पैटर्न है, दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए। ज्वाइंट है भाई, एक्चुअली दोनों जान है कॉन्गो। अरे, और ये नंबर पर आपको मैसेज करना है, इस नंबर देवांश हमारा नंबर है चैनल का, इस पे अपना नंबर आप भेज देना, जिससे कि आपका जो प्राइस है आपके पास पेटीएम पहुंच जाए। और दूसरी चीज, आपको करना क्या है, आपको एज म्यूजिक मेकर को लाइक करना है पेज को, आपने पवन श्रीवास्तव जी के पेज को लाइक करना है, गुरुम गुप्ता के पेज को लाइक करना है, ये सब आपको करना, क्योंकि देखो हमारा मोटिव भी ये गुंजन सक्सेना, कॉम्पिटिंग गुंजन सक्सेना के शो को भी। अच्छा, गुंजन सक्सेना के पेज को पहले से लाइक कर रखा है दीवान, शो को तो प्लीज प्रमोट करो थोड़ा सा, तभी वो पहले से है, तभी तो आया। कुछ आंसर पहले तो नहीं चले गए थे बताइयों के लल्लाइए। नहीं नहीं बाजी, ऐसा काम नहीं करते, बताइयों के लल्लाइए हमारे। अच्छा, और तो फिर तो देवांश को प्राइस तभी मिलेगा जब इनकी तरफ से 500 लोगों को हमारा प्रोग्राम का लिंक पहुंचेगा। कोई बात ना बेटा, मैं करा दूंगा। तो ये थे देवांश सक्सेना जी, और वो हमारे विनर थे, और सारे, मेरी आवाज आ रही है प्लीज क्लियर हो, तो क्योंकि मुद्दे पे आके थक जाता है नेट। ओके, वो असर है, कोई नहीं सर, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को। अच्छा, मैं एक बात बता दूं सर, मैं एक चीज और भी बोलूंगा कि जितने लोग शेयर कर रहे हैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है, और जितने लोग देख के वो ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना, समझ रहा है, समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे,
ये एक ऐप है जो 250 रुपए में आपका भी यार बात करा करे तो कोई बात नहीं यार, ये बातें नहीं करनी चाहिए, बट एक्चुअली में बहुत जरूरी है, 500 ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, आ जाते मिलके कर लेंगे। बट सीरियसली थैंक यू वेरी मच गाइस, और अमर पहुंची, सत श्री अकाल एवरीवन। टाइम देखो कौन सा है, जब जा रहे तब आ रहे बंदे। वह कहां थे भाई साहब, अरे कहां थे तुम, शो पर हो या घर पर हो? अमर पाजी भी थे, ज्वाइन करा था उन्होंने हमारे साथ, पर सर मैं नेक्स्ट संडे का पहले से आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट संडे आ रहे हैं मोगैम्बो जी आप सबके साथ रूबरू होने। मोगैम्बो जी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि गुरम साथ में रहें, अगर शो ना हो तो इवेंट पर। पाजी मैं समझ गया था पाजी, देखो इवेंट से भी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच अमर पाजी, लव यू भर भर के। अच्छा कितने रोटी ते मिल जाएगी, आइए सी इवेंट पे चलते ना, चल गुरम गाड़ी निकाल सारे इवेंट अपने। चलो 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 ठीक है। अबे मित्र जी टाइमिंग को 9 बजे से ही हम आते हैं, और मित्र साहब आप अगर स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आंसर दे सकें, क्योंकि क्या होता है टाइमिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है कई बार। तो 9 बजे हम लोग मिलते हैं सैटरडे, और इस वक्त मैं प्रमोशन कल परसों से ही करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि एक बहुत प्यारे गेस्ट को भी मैं उस दिन लेकर आऊंगा आप सबसे रूबरू कराने के लिए। तो कहीं जाइएगा मत, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं द एंटरटेनमेंट विद गुंजन सक्सेना, एंड थैंक यू वेरी मच गुरम गुप्ता साथ जुड़ने के लिए। और आप सबके लिए एक स्पेशल बात ये भी है कि आप जो स्टूडियो ऑडियंस रहेगी जो जुड़ेगी उसके लिए 2 सवाल हम एक्स्ट्रा देंगे उनको, वो बोनस है। तो जो भी जुड़ना चाहता है यहाँ पर हम लोग ऑन स्क्रीन 10 हमारे व्यूवर्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, तो जिसने भी जुड़ना है वो स्टार्टिंग में आगे बोल सकता है हमें कि प्लीज ज्वाइन मी स्टूडियो। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे कैसे जुड़ना है। तो थैंक यू साथ देने के लिए और मस्ती करने के लिए, धमाल करने के लिए। थैंक यू पवन भैया, थैंक यू, और आप सबसे विदा ले लें, कुछ बोलना चाहेंगे आप? गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। एक बार स्टेज पर जा जाते, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, बड़ा मिस कर रहे हैं हमने इन सब चीजों को, तो बस जरूरी है मिलते रहिए, जल्दी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट संडे। बाय बाय, सी यू देयर, लव यू ऑल। बोरी पैकअप कर जल्दी, कर रहे जल्दी कर, एक कैसे करने का नोट नहीं आ रहे जल्दी।